Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today we will start our chapter number 7 of computer book by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creators Part 2. और हमारे chapter का नाम है Introduction to Artificial Intelligence. Artificial Intelligence के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट ड्रोन्स, एआई एंड आर वर्ल्ड. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इस चैप्टर में हम ड्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और हम पढ़ेंगे एआई और हमारे वर्ल्ड के बारे में. Before we begin, शुरू करने से पहले, color the picture of a drone given below. आपने ड्रोन देखा होगा. आजकल तो mostly शादियों में या कहीं भी बड़ी बड़ी parties में जो recording होती है वो किसकी help से होती है? ड्रोन की help से. तो आपको इस दी हुई picture में बहुत सुंदर से color करने हैं. तो now we will learn about drones. The various uses of drones are as follow. अब हम पढ़ेंगे drones के different और various uses के बारे में कि वो क्यों इस्तेमाल होता है और क्या क्या काम करता है. Drones can be used to deliver medicine to far away places. बहुत दूर दूर की जगहों पर क्या deliver करने के लिए? Medicines deliver करने के लिए हम drones का use कर सकते हैं. Drones can be used by farmer for watering crops. Farmer इसका use कर सकते हैं किस लिए? अपने crops में पानी देने के लिए, अपने खेतों में और अपने अनाज या फिर अपनी फसल में पानी देने के लिए. Drones can take pictures and videos at various height. बहुत ऊंची ऊंची height से picture लेने के लिए और video बनाने के लिए drones का use किया जा सकता है या हम करते हैं. नेक्स्ट, ड्रोन्स आर ऑल्सो बीन यूज टू डिलीवर फूड्स एंड गुड्स. ड्रोन्स का यूज क्या डिलीवर करने के लिए? गुड्स मतलब सामान और फूड मतलब खाने की चीजों के लिए किया जाता है. दिस इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सब काम पॉसिबल है किसकी द्वारा? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ये सब काम हो सकते हैं. What is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? चलिए अब हम पढ़ते हैं. AI is the ability that helps machines or robots to do tasks on their own, much like humans. AI is the ability that helps machine, जो machines को help करती है और robots को help करती है different काम करने के लिए, like a human, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मानव करता है. AI enables machines to do defined work on their own. AI जब हम machine में enable कर देते हैं तो क्या होता है? वो डिफरेंट काम करते हैं ऑन अपने द्वारा, अपनी क्षमता से. दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर. और इन सबको कंट्रोल किया जाता है किससे? कंप्यूटर से. सम ऑफ द मशीन बेस्ड ऑन एआई आर फॉलो. अब एआई मशीन बेस्ड कौन कौन सी हैं? रोबोट, अलेक्सा एसेट्रा. आप सबके घर में अलेक्सा होता है. आप बोलते हैं ना, अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो आपने बोला और अलेक्सा क्या करती है? वो सॉन्ग प्ले कर देती है. तो ये किस लिए हुआ? ये सब हुआ एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. आजकल जितने भी 5G फोन्स आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं? एआई बेस्ड. रोबोट वर्क करते हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह. किसके द्वारा? एआई के द्वारा, क्योंकि उसमें क्या है? एआई बेस्ड होते हैं वो सब. नाउ वी विल लर्न अबाउट AI and our world. Artificial intelligence has become an important part of our life. हमारी लाइफ का एक बहुत important part बन चुका है. कौन? AI, artificial intelligence. We are using
some sort of AI in many devices. बहुत सारे devices में हम AI used कर रहे हैं. Let us take a look at some of these devices. तो चलिए आप कुछ devices को देखते हैं जो क्या है AI based है और हमारी लाइफ में उनका यूज है. तो सबसे पहला है Amazon Echo. Amazon Echo is a voice controllable speaker. Amazon Echo क्या है? ये एक वॉइस कंट्रोलेबल स्पीकर है. इट इज एन AI बेस्ड स्मार्ट स्पीकर डेट कैन इंटरेक्ट विद यू. जो क्या है? हमसे इंटरेक्ट करता है. इट कम्स विद अ बिल्ट इन वर्चुअल असिस्टेंट नेम अलेक्सा डेट कैन आंसर योर क्वेरीज. और ये क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट नेम है इसका अलेक्सा. अभी मैंने आपको बताया था ना, हम बोलते हैं अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, अलेक्सा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट. तो हम क्या बोल रहे हैं? अलेक्सा वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये हमारी आवाज सुन रहे हैं और हम जो काम कह रहे हैं उसको कर रहे हैं. योर इंस्ट्रक्शन एंड योर स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये क्या फॉलो करते हैं? हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस और हम इसे कंट्रोल करते हैं. You can ask Alexa to play your favorite music and audio book, select alarms, provide weather forecast and make call to contact on your smartphone. देखिए अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम Alexa को बोलते हैं Alexa play this song, play this video, या हम Alexa से next day या same day के weather forecasting के बारे में भी पूछ सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं Alexa पे? हमारे स्मार्टफोन में जो नंबर 3 है, अगर हम अलेक्सा को बोलेंगे अलेक्सा डायल अ नंबर दिस एंड दिस, या फिर मेक अ कॉल टू, जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज पायल, अगर मैं बोलूँगी, अगर आप बोलेंगे अलेक्सा प्लेस अ कॉल टू पायल मैम, तो अलेक्सा आपके लिए क्या करेगा? मेरा नंबर डायल करेगा. लेकिन कब डायल करेगा? कि आपके स्मार्टफोन में मेरा नंबर सेव होना चाहिए. नाउ वी विल लर्न अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार. अब मैं आपको बताऊंगी सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं. ड्राइवर लेस और सेल्फ ड्राइविंग कार और एन ऑटोमोनस कार, मतलब जिसमें ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर लेस सेल्फ ड्राइविंग कार is a vehicle that navigates between locations by using a variety of sensors, cameras, radar and AI. ये ऐसी कार होती हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होता, सेल्फ ड्राइविंग होती है. ये सब AI based होती हैं, इनमें different sensors होते हैं, cameras होते हैं, radar होता है और AI मतलब artificial intelligence होते हैं. इस कार की ये सब features होते हैं. With assistance from humans, जो हम लोग इसे assist करते हैं. It travel over roads to reach a designated location. ये सड़कों पर चलती है और क्या रीच करती है, कहाँ पहुँचती है? अपने destination पर. Passenger can spend time doing activity during a trip as there is no need to drive in self-driving car. सेल्फ ड्राइविंग कार में लोग बड़े मज़े से अपना लीजियर टाइम को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ और ट्रिप को इंजॉय करते हैं. BMW, Ford, Google, General Motor, Tesla एंड Volvo आर सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंपनीज डेवलपिंग और टेस्टिंग ऑटोनोमस कार. कुछ मानी हुई कंपनीज है जैसे BMW, Ford, Google, General Motor, वॉल्वो, ये सब क्या कर रही हैं? ये कंपनीज डेवलप कर रही हैं और टेस्टिंग कर रही हैं ऑटोमोनस कार के लिए, मतलब इस तरीके की कार के लिए जो सेल्फ ड्राइविंग हो, जिसमें अलग अलग सेंसर, कैमरास, AI बेस्ड हो, जिन्हें चलाने के लिए ह्यूमन कंट्रोल करे सिर्फ, लेकिन वो क्या हो, ड्राइवर फ्री हो, अपने आप चले. लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है. ये कार फुल्ली AI बेस्ड होती हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट स्मार्टफोन्स. अब मैं आपको स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगी. स्मार्टफोन्स भी क्या हैं? AI बेस्ड होते हैं. दीज आर पोर्टेबल डिवाइस विच कम्बाइन द फंक्शन ऑफ अ मोबाइल फोन
एंड कंप्यूटिंग डिवाइस। स्मार्टफोन्स किसका कंबाइंड फंक्शन है? मोबाइल फोन्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ AI एंड सेल फोन इज द वॉइस असिस्टेंट। आप सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन्स हैं, उसमें क्या फीचर है? एक फीचर है वॉइस असिस्टेंट का। आप जब गूगल पे कुछ सर्च करना है, साइट में एक माइक बना होता है, आप माइक पे क्लिक करेंगे और जो भी आप बोलेंगे गूगल उसको सर्च करेगा, वो क्या है? वॉइस असिस्टेंट है। नो मैटर व्हाट फैमिली योर स्मार्टफोन इज फ्रॉम, इसके लिए कोई मैटर नहीं है कि आपकी फैमिली के पास कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन है। इट यू हैव एन असिस्टेंट लाइक सीरी और गूगल असिस्टेंट, देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन एंड इट्स साइंटिस्ट्स आर द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है? सिरी, हम कहते हैं सिरी प्ले दिस सॉन्ग, या गूगल असिस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था गूगल पे अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो साइड में क्या है, एक छोटा सा माइक का ऑप्शन होता है, जब आप उस माइक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो बोलेंगे वो चीज़ सर्च हो जाएगी। स्मार्टफोन्स यूज AI फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क सच एज फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस असिस्टेंट, नेविगेशन, वेदर स्टेटस, फोटो फिल्टर्स, गेम एक्सेट्रा। आप सबके फोन में होता, आप हम कहते हैं ना हमने तो फेस लॉक लगा लिया, तो वो सब क्या है? AI बेस्ड क्या है, उनके वेराइटी ऑफ टास्क हैं स्मार्टफोन्स में। वॉइस असिस्टेंट, कुछ स्मार्टफोन जब तक आपकी वॉइस नहीं जाएगी वो ओपन नहीं होंगे, या उसमें क्या है, वॉइस असिस्टेंट फीचर्स है। वेदर स्टेटस, फोटो फिल्टर, वेदर का स्टेटस देते हैं, फोटो फिल्टर है कि कैसी भी फोटो हो उसमें इतने सारे फिल्टर्स होते हैं कि वो फोटो को आप और भी अच्छा बना सकते हैं। ये सब किससे संभव है? ये सब AI टूल की हेल्प से ही संभव है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। नाउ स्मार्ट वॉचेस, आजकल सब लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। स्मार्ट वॉचेस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप टाइम उसमें तो देखते ही सकते हैं और अपनी हार्ट बीट या फिर फ़ोन किसका आ रहा है, ये सब फीचर्स भी होते हैं, पल्स रेट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। स्मार्ट वॉचेस आर स्मॉल स्मार्टफोन्स लाइक गैजेट वॉर्न ऑन द रिस्ट दैट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फीचर्स दैट ट्रेडिशनल वॉचेस डोंट हैव। स्मार्ट वॉचेस को हम सब रिस्ट पे पहनते हैं और उसमें क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं जो ट्रेडिशनल वॉचेस में नहीं होती, मतलब जो पहले की वॉचेस थी। इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्मार्टफोन, और हमारी स्मार्ट वॉच किससे कनेक्ट होती है, स्मार्टफोन से, दैट नोटिफाइज द यूज़र ऑफ इनकमिंग कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्लीकेशन। और जब ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट होती है तो ये क्या हमें बताती है, इनकमिंग कॉल्स के बारे में, ईमेल्स के बारे में, मैसेजेस और नोटिफिकेशन देती है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक्सेट्रा। यू कैन इवन मेक कॉल्स यूजिंग अ स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच से आप कॉल भी मिला सकते हैं। दे आर यूज टू डिटेक्ट अ पेशेंट डायबिटिक कंडीशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, काउंट योर स्टेप एंड अदर रेगुलर हेल्थ इशू। स्मार्ट वॉच से डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज चेक हो सकती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और आप कितना पूरे दिन में चले वो स्टेप भी आप काउंट कर सकते हैं। नाउ चैट बोट, चैट बोट क्या है? चैट बोट इज एन AI एप्लीकेशन यूज टू मेक एन ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन। चैट बोट क्या है, एक AI बेस्ड एप्लीकेशन है जो किस लिए यूज़ की जाती है, ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन के लिए। इट यूजेस AI टू अंडरस्टैंड कस्टमर क्वेश्चंस एंड ऑटोमेट रिस्पॉन्स टू देम, सिमुलेटिंग ह्यूमन कन्वर्सेशन। दीज आर वेरी कॉमनली यूज बाय कंपनीज लाइक Amazon, Flipkart और फॉर कस्टमर सपोर्ट। कई बार आपने देखा है, सपोज़ आपने Amazon से कोई चीज़ कोरियर करी, नहीं आई,
तो आप कहाँ पर कॉल करते हैं? कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। तो चैट बॉक्स का यूज किस लिए किया जाता है? ऑनलाइन कन्वर्सेशन के लिए। डिफरेंट कंपनीज इसको यूज करती हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ये कस्टमर के क्वेश्चन का तुरंत क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। नाउ स्मार्ट टीवीज, सबके घर में आजकल क्या है? स्मार्ट टीवीज हैं। अ स्मार्ट टीवी डज नॉट रिक्वायर अ सेट टॉप और अदर स्ट्रीमिंग डिवाइस। स्मार्ट टीवी में हमें किसी भी तरह के केबल कनेक्शन या सेट टॉप बॉक्स की नीड नहीं होती। इट कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर स्ट्रीमिंग ऐप और चैनल लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार एक्सेट्रा। ये सीधा किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट से। और कौन कौन से ऐप इस पे चलते हैं? इस पर चलते हैं डिफरेंट चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार एक्सेट्रा। अ स्मार्ट टीवी कम्स विद एन इनबिल्ट वर्चुअल असिस्टेंट लाइक गूगल और अलेक्सा, यूजिंग विच यू कैन ऑपरेट योर टीवी। आजकल स्मार्ट टीवी के रिमोट में उसमें एक वॉइस असिस्टेंट होता है, आप उससे अगर बोलेंगे, जिसे हम गूगल या अलेक्सा कहते हैं, अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, अलेक्सा प्ले दिस मूवी, तो क्या होगा? वो मूवी प्ले हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। You can ask Alexa to turn on or off your TV. Alexa को आप बोल सकते हैं अपना TV बंद करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए। Play your favorite apps and shows and so on. अपना कोई भी फेवरेट ऐप चला सकते हैं या फेवरेट शो चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। It show you a list of program or movie based on your preference. वो आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम शो करेगी जो जो आपको चाहिए। यू कैन इवन प्ले गेम्स एंड डू वेब ब्राउजिंग यूजिंग अ स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी की हेल्प से आप गेम खेल सकते हैं और वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। नाउ इन लास्ट वी विल लर्न अबाउट स्मार्ट डोरबेल्स। अब हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे स्मार्ट डोरबेल्स के बारे में। स्मार्ट डोरबेल्स आर AI इनेबल्ड and inform the homeowner when a visitor arrived at the door. Smart bells क्या करती हैं? AI enabled होती हैं और inform करती हैं घर के मालिक को जब कोई दरवाजे पर visitor आता है। A smart doorbell is an interconnected doorbell. ये interconnected क्या होती हैं? Doorbell होती हैं that notifies the smartphone और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ होम ऑनर। ये क्या करती हैं? नोटिफाई करती हैं, नोटिफिकेशन देती हैं स्मार्टफोन्स को या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, किसके? होम के ऑनर को, घर के मालिक को। व्हेन अ विजिटर अराइव एट द डोर, जब कोई विजिटर डोर पर आता है। इट एक्टिवेट व्हेन द विजिटर प्रेस द बटन ऑफ द डोरबेल। जब डोरबेल के बटन को विजिटर प्रेस करेगा तब क्या करेगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। और अल्टरनेटली व्हेन द डोरबेल सेंसेस अ विजिटर विद इट्स बिल्ट इन मोशन सेंसर। और क्या होगा? जब विजिटर आएगा, डोरबेल के बटन को प्रेस करेगा, तो क्या होगा? डोरबेल सेंसेस करेगा, सेंसर करेगा। उसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है, जब विजिटर उसे प्रेस करेगा तो वो स्टार्ट होगा। नाउ आई विल टेल यू वन कंप्यूटर मैनर। आस्क द टीचर एवरी टाइम यू वॉन्ट टू टर्न द कंप्यूटर ऑन और ऑफ। इफ अ वायर हैज कम आउट, आस्क योर टीचर टू पुट इट बैक। आपको जब भी कंप्यूटर बंद करना है या ओपन करना है, आप हमेशा अपने टीचर को बताएंगे। अगर कंप्यूटर की कोई वायर निकली हुई है तो आप अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। लेट अस रिवाइंड। चलिए जल्दी से एक बार चैप्टर रिवाइंड करते हैं। ड्रोन्स कैन बी यूज टू डिलीवर मेडिसिन टू फार अवे प्लेसेस। ड्रोन की हेल्प से हम दूर की जगहों पर दवाइयों को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ड्रोन कैन बी यूज बाय फार्मर फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। ड्रोन्स कैन टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस एट वेरियस हाइट। बहुत ऊंची ऊंची हाइट से ड्रोन वीडियो और पिक्चर ले सकता है।
ड्रोन्स आर ऑल्सो बीन यूज टू डिलीवर गुड्स एंड फूड, खाने और अदर सामान को डिलीवर करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है. AI is the ability that helps machines or robot to do tasks on their own. Much like humans, AI enabled machine to the defined work to their own. They are controlled by the computer. Artificial intelligence has become an important part of our life. हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ AI इन मैनी डिवाइसेस. हम बहुत से डिवाइसेस में क्या यूज करते हैं? AI को यूज करते हैं. द Amazon Echo इज अ वॉइस कंट्रोलेबल स्पीकर. इट इज एन AI बेस्ड स्मार्ट स्पीकर डेट कैन इंटरेक्ट विद यू. Driverless or self-driving car or an autonomous car is a vehicle that navigates between location by using a variety of sensors, cameras, radar and AI. जो driverless और self-driving cars होती हैं उसमें क्या होता है? Different sensors, cameras और वो AI based होती हैं. Smart watches are small smartphones like gadget worn on the wrist that provide a variety of features that traditional watches don't have. Smart watches बिल्कुल smartphone की तरह होती हैं जो क्या करती हैं? बहुत सी चीज़ों को कर सकती हैं. Smart watches को हम अपनी wrist पर पहनते हैं. जो पहले की traditional watches थी उनमें ये सब फीचर नहीं था. So my dear kids, in this chapter we have learnt about artificial intelligence. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा और हमने उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जो क्या है? AI बेस्ड है. तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. नंबर वन, टेक द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज एन AI एप्लीकेशन यूज टू मेक एन ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन. कौन सी AI बेस्ड एप्लीकेशन है जो किस लिए यूज की जाती है? ऑनलाइन चैट कन्वर्सेशन के लिए. ईमेल, चैट बोट, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. द नेक्स्ट वन, स्मार्टफोन्स यूज AI फॉर. स्मार्टफोन्स AI किस लिए यूज करते हैं? फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वॉइस असिस्टेंट के लिए या बोथ ए बी? और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Rest two you will do by yourself. Now exercise B, fill in the blanks. Drones can be used by farmers for watering crops. हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं किस लिए? क्रॉप्स में पानी देने के लिए. मतलब किसान अपने खेतों में अगर पानी देना चाहता है तो वो क्या यूज कर सकता है? ड्रोन्स. नंबर टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ नंबर थ्री, AI has become an important part of our life. Artificial intelligence हमारी life का क्या बन चुका है? बहुत important part. Number four, you will do by yourself. Now exercise C, write T for true and F for false statement. Number one, the most obvious example of AI on cell phone is इन द वॉइस असिस्टेंट. नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. खाली वॉइस असिस्टेंट थोड़ी ना करता है, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन, स्मार्ट डोरबेल्स डू नॉट इंफॉर्म द होम ओनर व्हेन अ विजिटर अराइव एट द डोर. वो कह रहा है कि स्मार्ट डोरबेल्स इंफॉर्म नहीं करता हूं किसको? होम ओनर को, जब कोई आता है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो. नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों. आप एक बार अपने चैप्टर को अच्छे से फिर रीड करेंगे, उसको समझेंगे एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. सो आई होप इन दिस वीडियो यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट AI, दैट्स मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.